Assalamu alaikum everyone. As we have discussed before, that today we are going to solve multiple P1 past papers. So the first paper that we are going to solve is May-June 2020. This was the paper that you guys were going to appear, but unfortunately, because of COVID, आप लोग अपियर नहीं हो पाए इस पेपर के अंदर. ठीक है. अच्छा, आज का क्लास का रूल ये होगा कि आई विल बी सॉल्विंग वन ऑफ द क्वेश्चंस. मैं एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन देन आई विल चेक फॉर द क्वेश्चंस. अगर आप लोग ने कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है, कोई चीज समझ में नहीं आई उस क्वेश्चन के अंदर, देन बेटा यू कैन राइट टू मैचर एंड आई विल बी एंटरटेनिंग दिस स्टफ. ठीक है. एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग मूव करते रहेंगे. ओके. कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दे रहा आपको यहाँ पे. अभी सबसे पहला सवाल है क्लास यहाँ पे. वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम हैज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. बिल्कुल होगा, हमें इसमें कोई शक नहीं है. होने दें. दैट मेक यूज ऑफ रजिस्टर्स. नेम थ्री, आइडेंटिफाई थ्री रजिस्टर दैट मे बी यूज. क्लास आप लोग को पता है, कोई भी नाम लिख दें यहाँ पे. प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी, एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी, डेटा रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. कोई भी तीन लिख देगा क्लास, आपको बहुत सारे पता है. अच्छा जी, सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस. वन स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन इज द डीकोड, आइडेंटिफाई टू अदर इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस. तो आपको पता है क्लास, डीकोड तो होता ही होता है. डीकोड के साथ क्या होता है और फर्दर, अगर हम देखें यहाँ पे, Here you go. बाकी दो instruction class क्या क्या है? Fetch and execute. Fetch, decode, execute होता है. Decode बोला class one of the instruction, बाकी दो बता दो. तो आपको पता है simple. Fetch execute. Identify the component of the CPU that is responsible for decoding instructions. ठीक है. अब वो बोले क्लास मुझे बताओ कि ये इंस्ट्रक्शंस डीकोड किस जगह पर होते हैं. एग्जामिनर ये पूछ रहा है आपसे कि जो इंस्ट्रक्शन आप लोग डीकोड करते हैं, ये एक्चुअली ये डीकोड कहाँ होते हैं. तो क्लास आप लोग को पता है सीपीयू के अंदर तो होते ही होते हैं. सीपीयू इज द मेन पार्ट वेयर द एग्जीक्यूशन प्रोसेस. लेकिन मैंने आपको बताया था सीपीयू के अंदर भी एक मेजर यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट. तो ये सारी एग्जीक्यूशन क्लास कौन कंट्रोल कर रहा होता है, कहाँ पे हो रही होती है, इन कंट्रोल यूनिट बेटा. ठीक है. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर वन. एंड लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ. लेट मी ओपन मैक चैट. हाँ, वी आर गुड. ठीक है, क्वेश्चन वन क्लियर है, किसी बच्चे को भी कोई सवाल नहीं है. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू बेटा. क्वेश्चन नंबर टू हम लोग देखते हैं यहाँ पे. अच्छा जी, क्वेश्चन टू में बोल रहे क्लास, बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग हाई लेवल. एक्सप्लेन व्हाई अ प्रोग्रामर वुड यूज बोथ, यूज ऑफ बोथ इंटरप्रेटर एंड अ कंपाइलर. ठीक है, वो बोले कि प्रोग्रामर दोनों क्यों यूज करेगा. तो क्लास बड़ा आसान सा सवाल है ये. सवाल में आप लोग को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है. सिंपल वर्ड्स के अंदर वो आपसे पूछ रहे एडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बेटा, सिंपल वर्ड्स के अंदर. ठीक है, तो क्लास बता दें, सिंपली बता दें पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर. चार नंबर का सवाल है. बोथ आर यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस
इनटू मशीन कोड, ठीक है, या बाइनरी लैंग्वेज या डिजिटल लैंग्वेज, दोनों कन्वर्ट की जाती हैं। इसके बाद आपके पास बता दें इंटरप्रेटर, एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, ठीक है, एंड एरर्स कैन बी करेक्टेड कंपाइलर आर फास्ट एंड प्रोड्यूसेस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ठीक है, और बस ये, वैसे इतना तो ये तीन चार पॉइंट आपने लिख दिए काफी हैं। और भी कोई पॉइंट लिख दें क्लास, दैट कैन बी कंपाइलर्स ओनली कंपाइल व्हेन कोड इज एरर फ्री। जब आपका कोड एरर फ्री होता है, जब भी वो कंपाइलर आपका कंपाइल करेगा, अगर आपके कोड के अंदर एरर है तो कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल नहीं करेगा। सो आई थिंक वी आर गुड। कोई भी आप लोग क्लास, इस तरह के पॉइंट्स अब आप लोग को पता भी चल गया ना कि मैं जानबूझ के सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहा हूँ, सो दैट आप लोग को पता चले कि भाई हाउ टू राइट इन अ पेपर एग्जामिनेशन के अंदर किस तरह एक पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप लोग पॉइंट्स पे लिखें। अच्छा जी, गिव थ्री रीजन व्हाई अ प्रोग्रामर वुड चूज अ प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो क्लास, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग क्यों करेगा वो एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज? तो क्लास, सबसे पहला रीजन तो इजियर टू राइट एंड अंडरस्टैंड द कोड, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर सिमिलर to human languages, example bhi de de, like for, while, if, then, ठीक है। so high level programming हम लोग, easier to write है, simpler to similar to human language है, और क्या हो सकता है, आपके पास बहुत वाइड वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारी आपके पास वैरायटी होती है, ठीक है। और अगेन एक और रीजन भी है क्लास, इजियर टू डीबग, इजियर टू मेंटेन, ठीक है। सो यू कैन राइट एनी ऑफ द थ्री बेटा, कोई भी तीन पॉइंट लिख दें एंड वी आर गुड विद दैट। लेट मी सी if you have any questions till now. No, we are good. Let's move forward, beta. आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे। अच्छा जी, question number 3.
ये बोले कंपनी कलेक्ट्स एंड स्टोर्स डेटा अबाउट इट्स कस्टमर्स. डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ सर्वर इन अ कंपनीज ऑफिस. डेटा इज ट्रांसमिटेड टू क्लाउड स्टोरेज एंड क्रिएटेड अ बैकअप. ठीक है भाई. डेटा इज एनक्रिप्टेड यूजिंग सिमेट्रिक एनक्रिप्शन बिफोर इट इज सेंट टू द क्लाउड स्टोरेज. डिस्क्राइब हाउ डेटा इज बीइंग एनक्रिप्टेड. बच्चों वाला सवाल, लेकिन अगेन चार नंबर का सवाल आ गया है, तो क्लास मैं पूरा आप लोग को एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ. ऑल्दो अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो मैंने आप लोगों को पूरी चीजें बताई थी. मैंने आप लोगों को पूरी डायग्राम बना के दिखाई थी कि हाउ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन वर्क्स, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, द की वॉल्यूम. लेकिन स्टिल एक दफा मैं लिखवा देता हूं सो दैट आप लोगों को क्लास पता हो कि एग्जामिनेशन के अंदर किस तरह बेटा आंसर अपना लिखना है आप लोगों ने. ठीक है, अच्छा जी, डेटा इज या डेटा नहीं, डेटा या प्लेन टेक्स्ट वी एड अ की टू कन्वर्ट द डेटा into ciphertext. The greater number of bits for key, more secure डेटा इज. द एनक्रिप्टेड डेटा इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट. साइफर टेक्स्ट along with key is being transmitted to the kahan transmit kiya tha bhai, to the cloud storage, to cloud storage where data can be decrypted only with the same key. ठीक है भाई, तो I think मैंने बहुत ही अच्छा क्लास आप लोग को आंसर लिख के दिखा दिया है. मतलब This answer cannot be better than this. अच्छा, बिल्कुल साफ सुथरा, टू द पॉइंट हम लोगों ने बात करके अपना आंसर यहाँ पे कवर अप किया. ठीक है, तो इस तरह आप लोग भी क्लास इस तरह एग्जामिनेशन के अंदर आंसर लिखेंगे. थ्री मेथड्स दैट कैन बी यूज टू सिक्योर द डाटा इन ऑफिस. अच्छा, ये बड़ा कॉमन सेंस का सवाल होता है, जो ऐसे सवाल आ जाए आपके पास. तो दीज क्वेश्चन आर वेरी कॉमन सेंस. ठीक है, तो आप लोग बता दें क्लास, मैं चाहूंगा ये वाला सवाल का जवाब आप लोग दें. कोई भी मेथड बताएं डेटा को सिक्योर करने के लिए. ऑकवर्ड से ऑकवर्ड जवाब आपका एग्जामिनर एंटरटेन करता है. ठीक है, आई नो इट्स संडे मॉर्निंग, आप लोग किस तरह उठे होंगे जल्दी जल्दी सुबह फॉर द क्लास, लेकिन अगेन वी डोंट हैव मच टाइम, सो हमें इसी तरह कवर अप करना है. इसके बाद आप लोग की क्लास के बाद मेरे पास एक और एएस की भी क्लास है अभी, सो
थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है. आई नो बहुत ज्यादा आप लोग यू गाइज वर इन मेंटल प्रेशर के पेपर हो रहे नहीं हो रहे, फिर नहीं हुए, फिर प्राइवेट कैंडिडेट्स को अलग से सताया गया कि आप लोग को भी ग्रेड्स दे दिए जाएंगे नहीं देंगे. इट वाज अ हैक ऑफ अ प्रोसेस. और आई नो कि आप लोग के पेरेंट्स और आप लोग किस तरह मेंटल प्रेशर से गुजरे होंगे. इवन मैं भी बहुत ज्यादा टेंशन में था कि क्या होगा हमारे बच्चों का, किस तरह इसको अकोमोडेट करेंगे. लेकिन अब जो भी हुआ सब हो गया एंड नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड दैट आप लोग के पेपर्स हो रहे हैं. ठीक है, सो बस अब हमें मेहनत करनी है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल अपने लूज नहीं करना आप लोगों ने, और जो भी रिजल्ट है यू नीड टू एक्सेप्ट, बिकॉज इतने प्रेशर के बाद भी आप लोगों ने क्लास पेपर्स दिए, दैट्स ब्रिलियंट फॉर यू गाइस. ठीक है, ओके. तो मैं पूछ रहा था क्लास के कोई बच्चा अगर बताना चाहे कोई प्रोसेस, यू कैन राइट टू मैचर. आई नो संडे मॉर्निंग विदाउट नाश्ता आप लोग बैठे होंगे जस्ट फॉर द क्लास. सो स्टिल कोई भी मेथड क्लास कि हम लोग अपना डेटा सिक्योर कैसे कर सकते हैं. एनीवन, ज़ैनब, सामिया बेटा, अरहम, साकेब, अच्छा देखिए सिक्योरिटी मेथड पूछ रहे हैं यहाँ पे. सिक्योर द डेटा यूज यूएसबी के अंदर तो सिक्योरिटी का एलिमेंट तो नहीं है ना हमारे पास. यहाँ पे सिक्योर का मतलब जब आए तो वी कैन यूज बेटा. फायरवॉल, वी कैन गो फॉर पासवर्ड, वी कैन यूज सिक्योरिटी गार्ड लाइक फिजिकल मेथड, सीसीटीवी या लॉक्स. ठीक है, वी कैन यूज एनक्रिप्शन एज वेल. ये भी आपका डाटा क्या कर लेगा, सिक्योर कर देगा बेटा. वी हैव फ्यू मोर आंसर्स. एग्जैक्टली अरहम ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा है हमारे यहाँ पे, सेटिंग अप द पासवर्ड टू सिक्योर द डाटा. एंड यहाँ पे हमारा का एक क्वेश्चन हमारा और कंप्लीट हुआ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. आगे बढ़ते हैं. ओके, ये बोले क्लास नेम यूजिंग अ सिंगल लॉजिक गेट और रिप्लेस कर दें इसे. तो क्लास सिंगल लॉजिक गेट से इसको रिप्लेस करना हो तो दैट इज एंड के आगे नॉट लगा हुआ, दैट विल बी नेंड. ड्रॉ द डायग्राम. ठीक है, नेंड गेट. तो क्लास ये वाला कौन सा आपके पास, नॉर. अच्छा जी, बोले कंप्लीट द साइकिल. ठीक है, तो कोई मसला नहीं है क्लास. मैंने इसको नंबर दे दिया लेट्स से 1, मैंने इसको नंबर दे दिया क्लास 2, और मैंने इसको नंबर दिए आखिरी वाले को नंबर दे दिया क्लास लेट्स से. कुछ भी नंबर नहीं दिया मैंने. ठीक है, अब देखें सबसे पहला रूल होता है जब भी आपने ट्रुथ टेबल करना कंप्लीट करना है जितने भी नॉट है ना वो पहले निकाल लें. तो आई कैन सी ए नॉट एंड आई कैन सी सी नॉट. तो मैंने क्लास नॉट ए निकाल लिया, दैट विल बी. अब निकाल लें सी नॉट. अब निकाल लें क्लास 1. 1 क्या हो रहे हैं, ए और सी क्या हो रहे हैं और. तो दिस विल बी 0 1 0 1 1 1 1 1. ठीक है, अब निकाल लें क्लास 2. तो ए नॉट और सी नॉट क्या हो रहे हैं एंड. तो क्लास वी कैन सी ए नॉट ये रहा, सी नॉट ये रहा, दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई एंड हो रहे हैं. ठीक है, दैट इज 2. निकाल लें क्लास को जरा. तो दिस विल बी मल्टीप्लाई 1 0 1 0 0 0 0. और अब 1 और 2 क्लास क्या हो रहे हैं,
वन और टू क्लास क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे, मैंने इसको नाम दे दिया क्लास, लेट्स से थ्री, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया क्लास थ्री, तो क्लास थ्री कैलकुलेट कर लें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्लास वन और टू, दिस विल बी जीरो 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 जीरो, यही है ना भाई, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, कुछ गलती करूं तो क्लास मुझे आइडेंटिफाई कर देगा, और हम लॉजिक गेट्स, बेटा लॉजिक गेट्स समझ में नहीं आ रहे आपको, ठीक है कोई मसला नहीं है, मूविंग फॉरवर्ड अच्छा जी, और हमने क्लास यहाँ पे थ्री निकाल लिया, थ्री के बाद क्लास थ्री और बी क्या हो रहे हैं, जोर हो रहे हैं, तो क्लास वी कैन सी थ्री हमारे पास ये रहा और बी हमारे पास ये रहा, ये दोनों क्या हो रहे हैं, जोर हो रहे हैं, जोर के अंदर आप लोगों को पता है क्लास वन और वन या जीरो और जीरो, रिजल्ट क्या होगा सेम इनपुट के ऊपर जीरो, और अगर आपके पास डिफरेंट इनपुट है लाइक जीरो वन या वन जीरो या फिर जीरो वन, द आउटपुट विल बी वन, ठीक है, तो लेट्स सी जीरो 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 वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो 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 वन जीरो वन एंड क्लास वन जीरो वन, ठीक है, दिस विल बी योर सॉल्यूशन फॉर दिस पार्ट बेटा, अरे मैं आपको अलग से बेटा करवाऊंगा फिर, अभी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आपको पूरा छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा फिर आपको आपको बड़े क्वेश्चंस तक एंड तक करवाऊंगा बेटा, ठीक है, एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, बिकॉज लॉजिक गेट्स में आप सब बच्चे बड़े काफी शार्प होते हैं, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आप लोग का सच होती नहीं है लॉजिक गेट्स के अंदर, ठीक है, अरे मैं आपको अलग से करवा दूंगा बेटा, कोई मसला नहीं है, आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे, अच्छा जी बोल रहे क्लास थ्री फंक्शंस ऑफ अ वेब ब्राउजर, ठीक है, तो क्लास कोई भी फंक्शन लिखते हैं, कन्वर्ट्स HTML टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है, डिस्प्ले वेब पेज स्टोर्स हिस्ट्री एंड बुकमार्क्स, और क्या करता है आई थिंक तीन मांगे में और बहुत और भी काम है आपके पास, चेक दैट वेब पेज इज सिक्योर और नॉट, स्टोर cookies oh sahi ha no issues beta ram hota hai theek hai to class koi bhi aap log yahan pe 3 point likh sakte hain to aage badhte hain hum log yahan pe ab ye bol raha hai class meena buys products for her business using internet acha bhai ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा व्हेन शी बाइज द प्रोडक्ट्स, वन लेयर ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी क्लास इज हैंडशेक लेयर, देखिए क्लास
मैंने आप लोगों को लेयरिंग वाला पढ़ाया था और यू कैन सी यहाँ पे सवाल आ गया, ठीक है, 2020 में सवाल आ गया फिर वापस। मैंने जो अभी आप लोगों के सामने ही पेपर ओपन किया, मैंने पहले ओपन नहीं किया था, ठीक है। तो वन लेयर क्लास ये बोल रहा है टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का क्या है, हैंडशेक लेयर। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ हैंडशेक लेयर, ठीक है, क्या बोल रहे, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ हैंडशेक लेयर। तो क्लास अगर मैं आप लोग को कुछ भी ना करूं, कुछ भी ना करूं, मैं सिर्फ आप लोग को ये सिक्योरिटी की लेयर दिखा दूं, हैंडशेक लेयर, ठीक है। तो क्लास दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ हैंडशेक लेयर। क्लास हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, लिखवाना चाहिए था मुझे लगता है फर्दर ऑन। हैंडशेकिंग लेयर क्लास क्या करता है आपके पास, लेट्स सी, यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग द क्लाइंट एंड सर्वर। उसके बाद क्या आपके पास क्या है, अलर्ट प्रोटोकॉल है। इफ एनीथिंग इज रॉन्ग देन अलर्ट द यूजर। थर्ड साइफर चेंज, मतलब क्लास एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ठीक है। सो हैंडल्स एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मेथड्स, ठीक है भाई। परफेक्टली हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। आइडेंटिफाई द अदर लेयर ऑफ द टीएलएस प्रोटोकॉल, तो हमने पढ़ा हुआ था क्लास क्या होती है अदर लेयर, दैट इज रिकॉर्ड लेयर। तो हमने यहां पे मेंशन कर दिया रिकॉर्ड लेयर। आइडेंटिफाई अनदर प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा सिक्योरली, तो हमें पता है क्लास एसएसएल, पूरा फॉर्म लिख दिया करें, सिक्योर सॉकेट लेयर। आगे बोल रहे क्लास के स्मॉल फाइल इज स्टोर्ड व्हेन लॉग इन डिटेल्स नेम द फाइल, तो आपको पता है स्मॉल फाइल कौन सी फाइल होती है, स्मॉल फाइल कुकीज, कुकीज आर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स दैट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा बेटा। एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये बोल रहा है क्लास कैपेसिटिव और रेजिस्टिव टच स्क्रीन के बारे में बात करूं, ठीक है। सो ये बोल रहा है क्लास नीड प्रेशर टू अप्लाइड टू क्रिएट अ सर्किट, तो क्लास दैट इज एक्चुअली रेजिस्टिव। रेजिस्टिव के अंदर हम लोग के पास क्या होते हैं, लेयर्स होती हैं, दो लेयर्स होती है। जब आप हैंड का प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो लेयर्स मिलती हैं और आपका क्लास सर्किट कंप्लीट होता है। अगर मैं देखूं, शायद मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी,
पता नहीं खैर कहाँ गया ये। हाँ थोड़ा सा आप लोगों को क्लास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के टॉपिक के अंदर भी मसला ना हो। अच्छा जी, तो क्लास आपके पास ये क्या होती है, रजिस्टर स्क्रीन होती है। आगे बोल रहा है क्लास मे नॉट रजिस्टर इफ अ टच यूजर इज वेयरिंग ग्लव्स। तो क्लास कैपेसिटिव जो है वो चार्जेस के ऊपर काम करती है, आपके हाथ के ऊपर जो चार्जेस होते हैं उसके ऊपर काम करती है कैपेसिटिव एज पर द नेम सजेस्ट। तो अगर आपने ग्लव्स पहन लिए तो क्लास कैपेसिटिव स्क्रीन काम नहीं करती। मोर कॉमनली यूज इन स्मार्टफोन्स, तो क्लास स्मार्टफोन्स में आपके पास कैपेसिटिव स्क्रीन यूज होती है। अगर आप लोग देखेगा सर्दी वगैरह में जब आप लोग ग्लव्स वगैरह पहन लेते तो आपकी स्क्रीन कभी बार टच स्क्रीन काम नहीं करती, स्पेशली इन द चाइना मोबाइल्स। मैं वो ब्रांड नेम नहीं ले रहा मैं, लेकिन चाइना के मोबाइल में जनरली कैपेसिटिव स्क्रीन लगी हुई होती है। आगे बोला है क्लास मोर रिस्पॉन्सिव टू अ टच, एग्जैक्टली कैपेसिटिव। नीड्स एन इलेक्ट्रिक चार्जेस, कैपेसिटिव चार्जेस के अंदर काम करती है। चीपर टू मैन्युफैक्चर, क्लास रेजिस्टिव इज द चीपर वन, बिकॉज ये थोड़ा सा प्लास्टिक का जो मटीरियल होता है ये ग्लास होता है कैपेसिटिव के अंदर, और रेजिस्टिव के अंदर हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज मोर चीपर टू बिल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 क्लास बोल रहा है बाइनरी वैल्यू को कन्वर्ट देम इनटू बाइनरी। ठीक है, तो क्लास बड़ा इजी है हमारे पास, आपको पता है द सीक्वेंस। आगे क्या होता है 256 512 1024। ठीक है, तो पहला पैटर्न क्लास क्या है हमारे पास, द फर्स्ट पैटर्न इज 0011। ठीक है, दूसरा पैटर्न है क्लास हमारे पास 0100 1100 0000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिट्स है क्लास। तो ये एक और होगा आगे 2048 बेटा। ठीक है, 0 0। ठीक है, और आखिरी पैटर्न क्या है हमारे पास, दैट इज 1 0 1 2 3 5 0 0 0 0 0 1 1 then 0 0 then 1 0। तो क्लास कुछ भी नहीं करना, जस्ट ऐड द नंबर ऑफ वंस, जहां जहां वन निकला वो क्या करते हैं हम लोग ऐड कर लेते हैं। सो लेट्स सी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैटर्न 8 + 4 That is equal to 12. अगला पैटर्न 4 + 2 6 6 + 64 70 70 + 128 198 बाकी सब वैसे ही हैं, और आखिरी 1024 + 128 + 64 + 1 ऐड कर लूं जल्दी से, द रिजल्ट विल बी 12 16 17 1 carry 5 और 6 5 और 6 11 1 carry 2 और 1, तो 1217। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जामिनर जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन बना रहा था। ठीक है, अगले पार्ट में बोल रहे क्लास के कन्वर्ट कर दो इसको जरा जनरली, किसके अंदर कन्वर्ट कर दो,
हेक्साडेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट कर दो क्लास. सो अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, वी कैन इजीली कन्वर्ट दैट स्टफ. कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको पता है क्लास, चार चार के पेयर बनाएं और हर पेयर के नीचे क्या लिखें, 1 to 4 8, 1, ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8. This will be 0, this will be 14. So 14 class kya hota hai aapke paas, e, and this will be 9, to 9 9 hota hai. So your answer is 0 e 9 beta. Aage badhte hain, let me check if you have any questions till now. No, we are good. Let's move forward beta. बोला है क्लास, थ्री बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग यूएसबी पोर्ट. ठीक है, तो क्लास बता दें यूएसबी पोर्ट के कोई भी तीन बेनिफिट. प्लग एंड प्ले, नो नीड टू इंस्टॉल software, can be inserted in one direction only. ठीक है, और कोई benefit बता दें, plug and play हो गया, can be inserted in one direction, industry standard, industry स्टैंडर्ड, लाइक ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज यूएसबी सपोर्टिव. ठीक है, state two benefits and one drawback using a laser printer instead of glass inkjet printer to print the letters. Ek benefit class kya hoga, fast. Laser printers class are fast, speed of प्रिंटिंग. ठीक है, बेनिफिट टू. एक और बेनिफिट क्लास क्या होता है, एक और बेनिफिट क्लास, दैट कैन बी, कैन प्रिंट इन लार्ज वॉल्यूम. मतलब आप बहुत बड़े क्लास, जब भी आप बहुत बड़े ऑर्डर्स होते हैं तो वी कैन गो फॉर लेजर प्रिंटर्स. ठीक है, एंड द ड्रॉबैक क्लास इज इसके अंदर जो क्लास जो कार्टेज लगती है, cartridge is expensive or what else. Ek aur reason class, color printing is expensive. एंड एक और डिसएडवांटेज क्लास क्या हो सकता है, टेक्स टाइम टू कूल डाउन. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी पेपर प्रिंट लेजर प्रिंटर से बाहर आता है तो बहुत गर्म पेपर होता है. रीजन क्या होता है, बिकॉज
आपके पास वहां पे ड्रम्स लगे होते हैं, हीटिंग ड्रम्स, हीटिंग रोलर्स लगे होते हैं जो आपके टोनर को मेल्ट कर देते हैं ओवर द पेपर। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर क्लास मैंने ऑलमोस्ट समझ ले आप लोगों के लिए, पांच छह डिवाइसेस तो कवर अप करी हुई है, सिर्फ कुछ डिवाइसेस रहती है तो वो मैं आप लोग के साथ आप लोग को बता दूंगा कि आप लोग को किस तरह कवर अप, जब मैं अगला रिवीजन रखूंगा तो उसके अंदर मैं कवर अप करवा दूंगा। बाकी जो मैंने की में क्लास मैंने आई गेस मैंने यूट्यूब के ऊपर शायद अपलोड करी थी, मुझे याद आता है, बिकॉज ओ लेवल्स में भी थी, ए लेवल्स में भी थी, तो मैंने क्या किया था, मैंने हर उसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दी थी इफ आई रिमेम्बर। हाँ देखे ना ये वीडियोस, 3D प्रिंटर किस तरह काम करता है, लेजर प्रिंटर किस तरह काम करता है, इंजेक्ट प्रिंटर किस तरह काम करता है, 2D स्कैनर किस तरह काम करता है, कीबोर्ड किस तरह काम करता है। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस क्लास मैंने क्या की, मैं अपलोड करी है फॉर यू गाइस। सो कितने डिवाइसेस हम लोगों ने कवर अप कर लिए यहाँ पे, एक दो तीन और भी थी मैंने, और भी चार मैंने और भी करी है, मुझे याद है पता नहीं कहाँ गई वीडियोस। खैर, सो यू कैन इजीली क्लास सी, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2D स्कैनर की बात करूं, 2D स्कैनर आपके सिलेबस का पार्ट है, सो यू कैन इजीली सी to teach you about the scanners. Now, when we talk about the scanners, scanners are of two types. One is 2D scanners and the other one are 3D scanners. But in today's class, we are just going to discuss 2D scanners. Now, what are scanners? Scanners are actually an input device and they are used to scan barcodes, QR codes. Perfect. हाँ, देर आर नो चांसेस कि आपकी इंग्लिश स्प्रेड हो जाए, तो ये कोई चांस नहीं होता हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, इंटरप्ट इज अ सिग्नल सेंड फ्रॉम प्रिंटर टू द कंप्यूटर, गिव टू एग्जांपल्स व्हेन द प्रिंटर विल जनरेट एन इंटरप्ट सिग्नल। ठीक है, इंक इज लो और पेपर जैम या नॉट अवेलेबल। ठीक है, आउट ऑफ पेपर और भी क्लास हो सकते हैं कि प्रिंट कंप्लीटेड एंड these are the few reasons. अभी वो बोला क्लास many devices send interrupt signals. Identify the software in the computer that is receive and manage the interrupt signals. तो क्लास आपके पास कंप्यूटर के अंदर कौन मैनेज कर रहा होता है, ये मैनेज करता है आपके पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन। दिस इज द सॉफ्टवेयर क्लास, या इसको हम लोग एक और शॉर्ट नाम भी बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं क्लास इसे हम। ठीक है, तो ये आपका मैनेज करता है आपके इंटरप्ट सिग्नल्स। इतना बड़ा पेपर है, ओके, टू मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट, सो लेट्स सॉल्व देम एज वेल। एसएसडी और उसके दरमियान क्लास डिफरेंशिएट करना है, एचडीडी हार्ड डिस्क और एसएसडी, लिमिटेड नंबर ऑफ रीड एंड राइट साइकल्स। एसएसडी एचडी के अंदर क्लास वो रोटेट करता रहता है, अनलिमिटेड साइकल्स हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको पता है क्लास एचडीडी। ठीक है, मूविंग पार्ट आपको पता है क्लास कौन घूमता है, एचडीडी। इट्स अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल, ये तो दोनों ही होंगी, दोनों ही है क्लास, परमानेंट है दोनों। ठीक है,
It can be used as an external storage device for the backup of data. ये भी क्लास दोनों होंगी, आप डाटा का बैकअप दोनों के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली एक एसएसडी परचेज करी है और उसके अंदर मैंने अपना डाटा बैकअप किया है, और जो मेरा प्रीवियस डाटा था वो हार्ड डिस्क के अंदर था, तो दोनों के अंदर हम लोग बैकअप कर सकते हैं डाटा, कोई मसला नहीं है। आखिरी बोले इट यूजेस फ्लैश मेमोरी, तो फ्लैश मेमोरी यूज करता है आपके पास आपकी एसएसडी, ठीक है, और एचडीडी क्या यूज करता है, आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज करता है डिस्क के ऊपर फॉर स्टोरिंग द डाटा। एंड फ्लैश मेमोरी कौन यूज करता है आपके पास, आपका एचडीडी एसएसडी। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज, तो क्लास सीडीज की दो एग्जांपल देनी है आप लोगों ने, तो दे दे क्लास कोई भी नाम बता दे मुझे, डीवीडी, ब्लूरे, ठीक है, और एक और क्या होती है सीडी, उमा इज कंसर्न अबाउट द रिस्क दैट शी मे एनकाउंटर व्हेन शी इज यूजिंग इंटरनेट, स्टेट टू रिस्क शी इज कंसर्न अबाउट फिशिंग और फार्मिंग, फिशिंग और फार्मिंग से डर रही है क्लास, फिशिंग इज फेक fake emails and farming is fake websites, online shopping karne ja rahi hai kya, give one similarity and one difference between phishing and farming, acha ji ek similarity aur do difference dene hai class, similarity kya hoti hai, both are used to steal your personal information or both pretends to be real person or ya phir real company, dono koshish karta na ki wo aapko aapke samne ye sabit kar de कि ये दोनों रियल हैं, ठीक है, अच्छा जी, दो डिफरेंस। तो क्लास आपके पास फिशिंग के अंदर क्या होता है, आपको मैंने जैसे बताया था, फिशिंग इज थ्रू फेक ईमेल्स, and farming is fake websites, ek aur difference class kya ho jayega, ha farming ke andar kya hota hai aapke paas, in farming malicious code is installed in your PC that redirects to a fake website while phishing is
through emails. ठीक है, स्ट्रेट टू अदर रिस्क दैट उमा कुड एनकाउंटर यूजिंग इंटरनेट. तो इंटरनेट के ऊपर क्लास और क्या चीज हो सकती है आपके पास? हैकिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है आपके पास? वायरस आ सकता है, और क्या हो सकता है? हैकिंग, वायरस, एनी काइंड ऑफ मेलवेयर. ठीक है, मेलवेयर इज अ स्टफ दैट इज मिलीशियस, कोई चीज कोई आ जाए कोई दैट कैन डिस्टर्ब. हाँ अच्छा, यूजिंग इंटरनेट के ऊपर वॉर ड्राइविंग नहीं होगा शीदा बेटा? उनके इंटरनेट के सिग्नल वो यूज कर रही है, कोई और चोरी कर ले. हाँ बिल्कुल, इट कैन बी बेटा, व्हाई नॉट, गुड. वॉर ड्राइविंग भी होगा. ठीक है, वॉर ड्राइविंग. ठीक है अच्छा जी, फिशिंग भी तो फेक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करती है. फिशिंग शीजा बेटा फेक वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करती है यूजिंग फेक ईमेल्स. ठीक है, तो इट्स जनरली बेसिकली अबाउट द फेक ईमेल्स, और फार्मिंग इज अबाउट फेक वेबसाइट्स बेटा. ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स सी. ओहो, अभी एक और सवाल है. उम्मा यूजेस फायरवॉल टू सिक्योर द डेटा. उम्मा टेल्स हर फ्रेंड that a firewall can be only software based. Is it correct or incorrect, beta? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्लास कि this is incorrect. Because firewall can be both software based as well as hardware based. Describe how the firewall helps to keep Umma's data secure. तो क्लास अब यहाँ पे थ्योरी का पार्ट है, मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूँ, वापस से दिल नहीं चाह रहा मेरे लिखवाने का. यू कैन कवर इट अप बाय योरसेल्फ. अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, तो मैंने क्लास आप लोग को बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे अबाउट द फायरवॉल. तो क्लास यू जस्ट नीड टू मेंशन द डिवाइस. फायरवॉल विल सिट बिटवीन उमास सिस्टम एंड इंटरनेट. इट विल मॉनिटर द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द ट्रैफिक फ्रॉम हर सिस्टम. It will provide her filtering of IPs. It will allow only certain IPs to flow and block the remaining. It will block her system from preventing any malicious activities attack. It can be software based as hardware based. वाली बात mention आप नहीं करेंगे. ठीक है, बस तो यहां से लेकर यहां तक आप लोग क्लब पूरा explain कर दें. That's it, full marks. ठीक है, so याद रखिए क्लास, जब भी आप लोग exam की अपनी तैयारी करने बैठे हैं, सबसे पहले मेरे क्लास के लेक्चर्स गो थ्रू करेगा. अब बहुत सारे बच्चे ऐसे क्लास जिनके पास मेरे क्लास के लेक्चर्स नहीं है, सो आई विल बी मेकिंग अ लिंक. मैं एक लिंक आप लोग को सेंड करूंगा इंशाल्लाह बाय टुडे, और उस लिंक के अंदर क्लास जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, तो आपके पास ऑनलाइन आपके वेब ब्राउजर के ऊपर सारे लेक्चर्स मेरे ओपन हो जाएंगे ऑफ ओ लेवल बेटा. ठीक है, ओ लेवल 2020 प्रीवियस वाली भी ओपन हो जाएंगे, और ये जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है इसके लिए अलग एक लिंक जनरेट कर दूंगा, तो ये सारे लेक्चर्स भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएंगे. सबसे पहले क्लास मेरे लेक्चर से तैयारी करेगा, मेरे सारे लेक्चर्स से पढ़ेगा अच्छी तरह. जब लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद मूव करेगा बुक और नोट्स की तरफ बेटा. ठीक है, और अगेन योर पेपर आपके पास 10 डेज है. अगर किसी बच्चे को, मेरे पास एक नोट्स का सेट भी रखा हुआ है, अगर किसी बच्चे को वो नोट्स का सेट चाहिए तो वो भी मुझे बता दे. आई थिंक बाकी बच्चों के पास तो मेरे पास सारे बच्चों के पास नोट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ हाइब्रो के बच्चों के पास मेरे नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे. तो इफ एनीवन वांट्स, मैं मुझे बता दे, मुझे इन्फॉर्म कर दे, तो मैं वो नोट्स का पूरा अपना सेट भी रखवा दूंगा, सो दैट दे कैन हैव अ प्रैक्टिस, दे कैन हैव अ लुक, नो इश्यूज. ठीक है, फास्ट ट्रैक के क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर बहुत सारे, दे कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस P1 P2 बोथ. ठीक है, चलें. So class, it's around
वन आवर का आपके पास ये पेपर होता है, सॉरी 1 hour 30 minutes का पेपर होता है, एंड यू कैन सी कि हम लोग ने बड़े मजे मजे में 1 घंटे में पूरा पेपर क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया बेटा, ठीक है। सो आपको भी इतना ही टाइम लगेगा अराउंड पेपर सॉल्व करने के अंदर। मेरे कुछ बच्चे 45 मिनट्स में भी कर लेते हैं, 40 मिनट्स में भी कर लेते हैं, लेकिन मैं उनको इंकरेज नहीं करता, बिकॉज टेक योर टाइम, आराम से सुकून से पेपर करें, आराम से अच्छे अच्छे आंसर लिखें, ठीक है। टेक योर टाइम, कोई नहीं भागा जाता आपका टाइम, आराम से सुकून से पेपर सॉल्व किया करें हमेशा। अच्छा जी क्लास, एक और पेपर है क्लास, दैट इज 2019। तो इसके कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन हम और फर्दर कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और फर्दर आइडिया हो जाए। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पेपर के भी, इस वेरिएंट के भी, ठीक है, देन हम लोग बस ऑफ करेंगे। अच्छा जी बोले क्लास, 25 KB इज लार्जर देन 100 MB, क्लास फॉल्स। 999 MB इज लार्जर देन 50 GB, फॉल्स। हाँ आगे क्या बोल रहे, आगे बोल रहे 3050 KB इज स्मॉलर देन 2 GB, बिल्कुल सही। 2350 bytes आर स्मॉलर देन 2 KB, ये कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, ये देखना पड़ेगा। 2 KB आर इक्वल टू 2048 bytes। अब ये बोल रहे 2350 इज लेस देन 2048, तो क्लास दिस इज अगेन फॉल्स, ठीक है। आगे बोल रहे वॉन न्यूमन साइकिल, वॉन न्यूमन मॉडल फॉर द कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फेच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर 1 component इज कंट्रोल यूनिट। आइडेंटिफाई 4 other components used in von Neumann architecture. मैंने डायग्राम बनाई थी। ये बता रहे क्लास के एक यूनिट जो है ना, एक कंपोनेंट जो कंट्रोल यूनिट है, बोले बाकी 4 कोई और के नाम लिख दो, बाकी और कोई 4 components के क्या क्या बोल रहे नाम लिख दो। सो वी कैन सी क्लास, बहुत सारी चीजें कर दे मेंशन क्लास, कुछ भी, MAR, प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस बस, डेटा बस, चले बसेस को स्किप कर देते, हम लोग बसेस की बात नहीं करते अभी यहाँ पे, ठीक है। ALU, क्लॉक कंट्रोल, CIR, मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो क्लास यू कैन नेम एनी ऑफ द स्टफ, 4 component कोई भी लिख दें, ALU, MAR, MDR, PC, मेमोरी यूनिट एंड और भी बहुत सारी चीजें, कोई भी 4 component का नाम मांग रहे हैं क्लास। डेटा फ्रॉम द सेंटर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग टू डिजिटल टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। State what is meant by analog data? तो क्या analog data क्या होता है? Continuous values of data is called analog.
ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, दिस इज एन एनालॉग सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और डिजिटल क्लास क्या होता है आपके पास, दिस इज एक्चुअली डिस्क्रीट डेटा. डिस्क्रीट की स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रही क्लास, डिस्क्रीट सी डी आई एस सी आर ई डिस्क्रीट, ए तो नहीं आएगा, डिस्क्रीट टी ई, डिस्क्रीट डेटा हैविंग ओनली टू वैल्यूज. ठीक है, एंड यू कैन गिव एन एग्जाम्पल क्लास, this is an example class for a discrete data. Achha ji, मैं सवाल देख रहा था कोई मुश्किल सवाल तो नहीं आए हुए, आसान ही है क्लास सारे, आप लोग आराम से, सब थ्योरी के पार्ट्स हैं, बाकी आई विल रिकमेंड आप लोग खुद भी कर सकते हैं. चलें मैं ये वाला सवाल भी मैं करवा देता हूँ जल्दी से. 8 बिट रजिस्टर कंटेन वैल्यूज, बाइनरी वैल्यू पूछ रहा है क्लास. मैं थोड़ा स्पीड में करता हूँ क्लास, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में लगे कि मैं बहुत ज्यादा तेज चला गया, आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझे रोक देगा. 32 प्लस 16 48 प्लस 4 52. ठीक है, डाइनरी वैल्यू विल बी 52 होगी इसकी डाइनरी वैल्यू. अच्छा जी, आगे बोल रहे द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर आर शिफ्टेड वन प्लेस टू द राइट. अब ये बोले अगला, ये रजिस्टर है, इसके कंटेंट्स राइट की तरफ मूव किए गए. राइट क्या होता है यहाँ पे, ठीक है. अब वो बोले द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन 4 आर शिफ्टेड टू डेसिमल प्लेसेस टू द लेफ्ट. शो द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर आफ्टर दिस शिफ्ट हैज टेकन प्लेस. क्या बोल रहे, कभी बोल रहे राइट, कभी बोल रहे लेफ्ट, कौन सा रजिस्टर की बात कर रहा है. अच्छा जी, ये बता रहे हैं ये ऊपर वाला रजिस्टर है ना क्लास, इसको एक राइट की तरफ जब मूव किया ना तो ये ऐसा हो गया. इसको जब एक राइट की तरफ मूव किया तो ये ऐसा हो गया. अब वो बोले दो लेफ्ट की तरफ मूव कर दो. क्या करो, दो लेफ्ट की तरफ मूव कर दो. तो क्लास कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने. अब देखा ना, ये रहा आपका रजिस्टर पूरा, इसको दो लेफ्ट की तरफ मूव करना है आप लोगों ने. तो ये जो जीरो है ये उठा, ये आ गया यहाँ पे, ये वाला जीरो था ये उठा, ये आ गया यहाँ पे. ठीक है, तो दिस विल बी 1 1 0 1 0 0 0 0, दो लेफ्ट की तरफ मूव हो गया, खत्म. ठीक है, स्टेट द इफेक्ट दिस शिफ्ट हैज ऑन द बाइनरी वैल्यू. बोला बाइनरी वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ा वो मुझे बताओ. तो क्या पहले बाइनरी वैल्यू क्या थी आपके पास, इट वाज 52. अब चेक करते हैं जरा बाइनरी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास. अब बाइनरी वैल्यू हो क्लास 208 हो गई क्लास. ठीक है, तो क्लास सिंपली आप बताएं 52 मल्टीप्लाई बाय 4 इट विल बी 2. क्लास क्या हुआ आपके पास, इट इज
multiplied by 4 beta. क्या हुआ यहां पे? Multiply by 4 हो गया after shifting the stuff. अब ये क्लास थ्योरी वाला पार्ट है. आपको यहाँ पे लॉसी डाटा की कंप्रेशन की बतानी है कि किस तरह कंप्रेस होता है. ठीक है, लिखवाया हुआ क्लास मैंने सारी चीजें आप लोग को. MIDI व्हाट इज एक्सप्लेन और MIDI फाइल क्या है. बहुत बड़ा मैंने आप लोगों को क्लास पॉइंट्स लिखवाए हैं. यू कैन इजीली एक्सप्लेन दैट स्टफ. एडवांटेज ऑफ MIDI सब क्लास मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं. थ्योरी वाला पार्ट क्लास आप लोग खुद कवर अप करें. ठीक है, ये भी थ्योरी है. थ्योरी है सब. फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर हम लोगों ने पहले कंप्लीट किया है. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय HTTPS. तो क्लास आप बता देंगे कि S इज फॉर द सिक्योरिटी और यहां पे थोड़ा बहुत आप लोग SSL को एक्सप्लेन कर देंगे बेटा. लॉजिक गेट का सवाल आ गया, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल लग रहा है मुझे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है, ताकि अरहम को एक फर्दर एक और हमें यहां पे प्रैक्टिस भी मिल जाए क्वेश्चन की. अच्छा जी अरहम बेटा देखो यहां पे बोलना है कि ये कौन सा गेट है. ये ZOR गेट है. ये बोला है लॉजिक स्टेटमेंट लिख के दिखा दो इसकी. ठीक है, तो आपका रिजल्ट एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले ये देखो, इस सर्किट को देखो. तो ये क्या है, ए और सी क्या हो रहे हैं, ZOR. तो लिख दो ए ZOR सी, खत्म. अब देखो अरहम बेटा इस वाले सर्किट को, तो बी और सी नॉट, नॉट लगा हुआ है. बी और सी नॉट क्या हो रहे हैं, नैंड हो रहे हैं. तो लिख दो इसको बी नैंड नॉट सी. ठीक है, और इसका रिजल्ट जो आ रहा है, और इसका रिजल्ट जो आ रहा है, ये क्या हो रहे हैं, और बीच में लगा दो एक और. And we are done, 3 marks. अब वो बोल रहे ट्रुथ टेबल भी बना दो. तो क्लास मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है ट्रुथ टेबल के लिए सबसे पहले जितने भी नॉट्स थे वो निकालने. तो सी के साथ ही नॉट है, सिर्फ सी के साथ नॉट है. मैंने सी नॉट निकाल लिया. दिस विल बी नॉट क्या होता है, अपोजिट होता है. तो दिस इज 0 0 क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 बेटा. ठीक है, अब क्या करो, नंबरिंग कर दो आगे पीछे कुछ जो आउटपुट सारे उनको नंबर कर दो. लेट्स से मैंने इसको नंबर दे दिया 1, इसको दे दिया 2. ठीक है, तो पहले 1 निकाल लूं. ए और सी क्या हो रहे हैं, ए और सी क्या हो रहे हैं, ZOR. ZOR के अंदर अरहम बेटा 0 0 पे आंसर आएगा 0, 1 1 पर आंसर आएगा 0, 1 0 पे आंसर आएगा 1 और 0 1 पे भी आंसर आएगा 1. दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर ZOR. अब कंप्लीट कर लो जल्दी से. ठीक है, अब सिमिलरली कैलकुलेट कर लो 2. तो 2 क्या है, 2 है क्लास सी नॉट और बी नैंड हो रहे हैं. नैंड क्या होता है हमारे पास, आप सबको पता है क्लास, नैंड इज 0 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और बस 1 1 के ऊपर ये होता है 0. ठीक है, दिस इज द नैंड. तो 2 निकाल लो जरा, सी और बी और सी नॉट, इट विल बी 1 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. दिस विल 0 1 1 1, ये 1 इट विल बी 0 एंड क्लास देन 1. अब 1 और 2 क्या हो रहे हैं आपके पास, और ये रहा 1 ये रहा 2, जल्दी से और कर दो. दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट, दिस विल बी 1 1 0 1 1 1 1 1, 4 marks क्लास. ठीक है,
आई होप आप लोगों को इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. अगेन थ्योरी के सवाल है क्लास, ट्रू फॉल्स बताने आप लोगों ने. आई थिंक आप लोग इजीली ऐसे सवाल कर सकते हैं, पहले भी मैंने बहुत सारे करवाए हैं. व्हाट इज मेंट बाय चेक डिटेक्ट एंड हाउ इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एरर्स. अच्छा जी, ये क्लास वाला सवाल मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, बिकॉज चेक डिजिट के बारे में आप एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि किस तरह चेक डिजिट कैलकुलेट करेंगे आप लोग. तो क्लास ये मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ बेटा, ठीक है. चेक डिजिट एक्चुअली है क्या हमारे पास क्लास? इट्स अ वैलिडेशन मेथड used to check data entry. ठीक है, तो आप क्या करते हैं इसके अंदर, check digit is calculated by The given method, जो भी आपको मेथड गिवन होता है उससे आप कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, चेक डिजिट is again calculated by the same method after data being input both check digits are compared if digits are different. This means error. ठीक है, identify two security methods that a company used to keep secure data and explain how each method will keep their data secure. ठीक है, तो क्लास एक चीज में आप लोग एक्सप्लेन कर दें फायरवॉल, और एक मेथड आप लोग एक्सप्लेन कर दें क्लास एनक्रिप्शन वाला. ठीक है, दो मेथड मांग रहे, फायरवॉल एक्सप्लेन कर दें और इनक्रिप्शन एक्सप्लेन कर दें क्लास. अदर मेथड्स क्लास कैन भी आपके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लग दें, रूम लॉक कर दें. ठीक है, तो ये भी आपका मेथड्स दे कैन बी अप्लाइड. रैम रोम रैम क्लास एक्सप्लेन करना है आपने. गिव टू रीजन व्हाई एसएसडी इज अदर देन एचडीडी. तो एसएसडी क्लास क्यों होती है? बिकॉज नो मूविंग डिवाइस, फास्ट होती है, रिलायबल होती है. ठीक है, सो दैट दीज आर द रीजंस कि एसएसडी क्यों प्रीफर की जाती है. तो क्लास मैंने थ्योरी वाले पार्ट के अंदर क्वेश्चंस काफी स्किप किए हैं, बिकॉज वो ऐसी थ्योरी थी जो आप लोग इजीली क्लास मेरे नोट्स मेरे लेक्चर्स पढ़ के कर सकते हैं. आई विल बी शेयरिंग माय नोट्स माय स्टफ विद यू ऑल, आज मैं शेयर कर दूंगा. सो आप लोग की मैं एक वर्कशॉप भी लूंगा इंशाल्लाह जस्ट बिफोर पेपर टू भी, पेपर टू से पहले भी एक आप लोग की एक लॉन्ग क्लास ले लूंगा मैं. ये लॉन्ग मतलब लॉन्ग ही होगी वो, ताकि उसके अंदर मैं आप लोग को प्री रिलीज वापस से करवाऊंगा, पूरा रिवाइज वापस से पूरा कोड करवा दूंगा, वापस से रिवाइज करवा दूंगा, वापस से कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, सो दैट आप लोग क्लास बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे फॉर द कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन बेटा. ओके, चले आज हम लोग क्लास को यहीं पे होल्ड करते हैं. हम लोगों ने दो वेरिएंट्स के पासवर्ड्स किए हैं अभी फिलहाल. ठीक है, और फर्दर कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों को बाद में और भी करवाऊंगा जो मुझे लगेंगे कि दे आर नेसेसरी फॉर यू ऑल टू बी सॉल्व. ठीक है, सो इसको आज यहीं पे होल्ड करते हैं इंशाल्लाह. अगली क्लास में इसको आगे क्लास फर्दर कैरी ऑन करेंगे.
ठीक है, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।